Hello students, today we are going to start video lesson for class 11th and first of all we are going to discuss mathematical tools. Means हम इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ mathematical formula जो हैं वो discuss करेंगे जो generally क्या होते हैं physics में use होते हैं. तो first इस lesson में हम कुछ जो फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे वो आज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एंगल की. व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एंगल इट रिप्रेजेंट द रोटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन अबाउट ए इट्स वन एंड. किसी भी एंड के साथ अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन को रोटेट करते हैं तो उसके रोटेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है. और एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट्स. और अगर हम दो स्ट्रेट लाइंस को रेज को क्या करें, कॉमन पॉइंट पे मीट करें, तो ये जो फिगर बनेगा उस फिगर को भी हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं. इट इज मेजर्ड इन डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर. हम इसको क्या करते हैं, जनरली डिग्री जो है उसमें मेजर करते हैं. और इसके लिए जो हम मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं दैट इज प्रोट्रैक्टर. लेट इट इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वन एंड. ये अपने किसी भी वन एंड के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. एंड द रोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल विच इज डिनोटेड बाय थीटा, जिसको हम क्या करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं. और इसको मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं दैट इज प्रोट्रैक्टर. तो ये यहाँ पे प्रोट्रैक्टर शो किया गया है जिसको हम जनरल लैंग्वेज जो है उसमें क्या कहते हैं, डी कहते हैं. अब अगर हम इस डी को देखें तो इसके अंदर क्या है, अलग अलग डिविजन्स बने हुए हैं. अगर हम इस डी को देखें तो इसमें क्या है, अलग अलग डिविजन्स बने हैं. 0 to 10 जो है वो क्या है, 10 डिविजन्स हैं. 0 to 10 एक लार्ज डिविजन हो गया जो 10 डिग्री को डिनोट करता है. और इसमें क्या है, 10 स्मॉल डिविजन्स हैं. यहाँ पे 10 स्मॉल डिविजन्स हैं और ये 0 to 10 का एक लार्ज डिविजन हो गया. लार्ज डिविजन 10 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे 1 डिविजन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा. और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी डिवाइस है वो मिनिमम जितना मेजर कर सकता है, एट लीस्ट जितना मेजर कर सकता है मिनिमम, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेटर्स. इट इज मेजर्ड इन डिग्री बाय प्रोट्रैक्टर एंड पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है एंड 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. मीन्स यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट जो है इस प्रोट्रैक्टर में ये क्या है, 1 डिग्री है. और 1 डिग्री जो है इसके अंदर क्या होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. और 1 मिनट विच इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. ईच एंगल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 2 पाई और 360 डिग्री. कोई भी एंगल जो है वो क्या करता है, अपने आप को 2 पाई मीन्स 360 डिग्री के बाद क्या करता है, रिपीट करता है. मीन्स अगर हम लिखें थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा जो है वो थीटा के इक्विवेलेंट होगा. अगर हम इसको फिर 2 पाई ऐड करें, 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, 4 पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा, 6 पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा. मीन्स थीटा जो है वो हर 2 पाई के बाद क्या होगा, रिपीट होगा. लेट अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इनिशियल पोजिशन ए टू द फाइनल पोजिशन बी अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर. यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर पाथ हमने यहाँ शो किया गया है जिसका सेंटर क्या है, ओ सेंटर है. लेट इनिशियल पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज ए. यहाँ पे ये जो है इनिशियल पोजिशन पार्टिकल की शो की गई है और ये पोजिशन जो है ये क्या है, ए है. एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज कैपिटल आर. इस सर्कुलर पाथ पे जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस सर्किल की रेडियस जो है वो कितनी है, आर है. लेट दिस पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी. ये पार्टिकल जो है मूव कर गया कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक. तो ये इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इट इज गिवन बाय थीटा. इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा, थीटा होगा.
ए बी इट इज नॉन एज आर्क। ए बी जो है ये लेंथ ऑफ आर्क है एंड ओ ए और ओ बी इट इज इक्वल टू रेडियस। ए बी इक्वल्स टू एल लेंथ ऑफ आर्क, ओ ए विच इज इक्वल्स टू आर, यहाँ बाई मिस्टेक एल है ये आर रहेगा, ओ ए इक्वल्स टू आर रेडियस ऑफ सर्किल एंड थीटा एंगल। देन द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ सर्किल एंड एंगल इज गिवन बाय एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्किल। एंगल इक्वल्स टू ए बी, ए बी दिस लेंथ लेंथ ऑफ आर्क जो इसने इस सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल किया है एंड ओ ए रेडियस, देन थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। अब कि थीटा जो है इसकी एसआई यूनिट, ये क्या है, एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का, उसमें डिस्कस करेंगे कि रेडियन जो है वो क्या है, एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है और उसकी यूनिट जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट है। थीटा को हम किससे मेजर करते हैं, रेडियन से मेजर करते हैं। एंड 1 रेडियन मीन्स थीटा अगर 1 है वो कब होगा, जब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाए। तो अगर 1 रेडियन को हम डिफाइन करें तो क्या आएगा, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर लेंथ ऑफ आर्क जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाता है तो जितना एंगल सबटेंड होगा एट द सेंटर ऑफ सर्किल इट इज नॉन एज 1 रेडियन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट एक्यूट एंगल, एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री जो एंगल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये कितना रोटेट हुई है, अगर हम इस प्रोट्रैक्टर को देखें तो ये कितना शो कर रही है, 45 डिग्री को शो कर रही है। तो ये 45 डिग्री जो है ये क्या है, एक्यूट एंगल है। सेकेंड राइट एंगल विच इज़ 90 डिग्री। अभी देखो ये लाइन 45 डिग्री से कहाँ पे शिफ्ट हो गई, 90 डिग्री पे शिफ्ट हो गई। इस एंगल को, 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। और 90 एंड 180, 90 से ज़्यादा और 180 से कम का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। एंड अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये 90 डिग्री के बाद कहाँ पे है, अभी ये देखिए यहाँ पे 135 डिग्री को डिनोट कर रहा है, 135 डिग्री इट इज़ ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री, जब ये लाइन अपनी पोजीशन से स्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है तो ये एंगल जो है ये क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा एंड दिस एंगल इज नॉन एज स्ट्रेट एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, अब है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है, हमने राइट एंगल की बात की है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। अब अगर हम ट्राई एंगल की बात करें, ट्राई एंगल मीन्स इट इज़ ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाई 3 साइड्स, तो उसके अंदर एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राई एंगल बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है ये क्या करते हैं, उस राइट एंगल ट्राई एंगल की डिफरेंट साइड्स जो हैं उनमें रिलेशन को शो करता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राई एंगल। तो यहाँ हम ए बी सी एक राइट एंगल ट्राई एंगल ले रहे हैं इन विच एंगल बी इट इज 90 डिग्री एंड एंगल सी थीटा। बी सी इट इज नॉन एज एडजेसेंट साइड, इसको हम बेस भी बोलते हैं। बी ए जो क्या है, थीटा के अपोजिट है, इट इज नॉन एज परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के अपोजिट जो है इट इज हाइपोटेनियस, ए सी, ए सी हाइपोटेनियस, बी सी एडजेसेंट साइड एंड ए बी परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसके अंदर फर्स्ट है साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। तो साइन थीटा वो कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा एंड ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए बी बाय ए सी। नेक्स्ट रेशियो कोस थीटा एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा एंड इट इज़ गिवन बाय एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। और यहाँ डायग्राम में हमारे पास एडजेसेंट साइड है बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी। नेक्स्ट
tan theta and it is equivalent to reciprocal of cot theta, या ये बोल सकते हैं कि cot theta जो है वो tan theta का reciprocal होता है, and it is given by ratio of perpendicular to adjacent side AB by BC. तो ये हमारे पास क्या है, मेन trigonometry ratios हैं जो किसी right angle triangle के angle और उसकी sides के ratio में क्या करता है, relation को show करता है. अब हम बात करते हैं कि ये जो angles हैं इनकी values के लिए, तो इसके अंदर trigonometry ratios जो हैं उसके कुछ specific angles हैं, like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. उसको एक टेबल में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, लिखा हुआ है. अब इसके अंदर है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, और फर्स्ट रो जो है इसमें क्या शो किया गया है, एंगल शो किए गए हैं. फर्स्ट एंगल 0 डिग्री, देन 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री. अब इसके अंदर है कि हमें ये याद करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी मार्किंग करेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4. फर्स्ट एंगल जो हमारा था 0 डिग्री उसको ना 0 लिखा, 30 को 1 लिखा, 45 को 2, फिर यहाँ 3 मेंशन किया और यहाँ पे 4. अब हम इनको क्या करेंगे, ईच डिजिट जो है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और उसका अगर हम रूट निकालेंगे, ईच जो है उसको क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, और ये 0 बाई 4, 1 बाई 4, 2 बाई 4, 3 बाई 4 और 4 बाई 4, ये जो हमारे पास आएगा उसका रूट कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू आएगी. 0 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स 0, 0 का अंडर रूट निकालेंगे 0 आएगा. 1 बाई 4, इसका रूट 1 बाई 2 होगा. 2 बाई 4 मीन्स 1 बाई 2, इसका 1 बाई रूट 2 होगा. एंड 3 बाई 4, ये होगा रूट 3, और 4 का 2 रूट 3 बाई 2, एंड 4 डिवाइडेड बाई 4, 1 का रूट क्या आएगा, 1. तो ये साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1 बाई 2, साइन 45 डिग्री 1 बाई रूट 2, साइन 60 डिग्री रूट 3 बाई 2, एंड साइन 90 डिग्री 1. अब इसके अंदर हमें क्या करना है, कोस थीटा को, कोस थीटा हम लिखेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, हम इसी को रिवर्स में स्टार्ट करेंगे, इस 1 को हम इधर से, फिर रूट बाई 3 बाई 2, देन 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 60, और ये इधर 0. ये किसकी वैल्यूज आ गई, कोस थीटा की वैल्यू आ गई. अगर हम बात करें टेन थीटा की, हमने कहा है कि टेन थीटा जो है ये कॉट का रेसिप्रोकल है, और ये होता है साइन एंड कोस का जो रेशियो होता है, दैट इज टेन थीटा. तो यहाँ से साइन डिवाइडेड बाई कोस करेंगे, 0 बाई 1 0 होगा, तो ये 10 0 की वैल्यू आ गई. 1 बाई 2 को डिवाइड करेंगे रूट 3 बाई 2 से, तो ये 1 बाई रूट 3 आएगा, दैट इज 10 30 डिग्री. 1 बाई रूट 2 को 1 बाई रूट 2 से डिवाइड करेंगे 1, एंड रूट 3 बाई 2 1 बाई 2 से डिवाइड करेंगे रूट 3, दैट इज 10 60 डिग्री. एंड 1 डिवाइडेड बाई 0, किसी को भी अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या रहता है, अनडिफाइंड रहता है, तो ये यहाँ पे नॉट डिफाइंड आएगा, जो कि इसकी वैल्यू होगी 10 90 डिग्री होगी. बाकी कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आ जाएगी. सेक जो है वो क्या है, कोसेक का रेसिप्रोकल है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आ जाएगी. और कोट जो है वो क्या है, टेन का रेसिप्रोकल है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आ जाएगी. अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम की. क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, या कोई भी लाइन जो है वो कंप्लीट एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो उसमें वो 360 डिग्री एंगल जो है वो सबटेंड करती है एट द सेंटर ऑफ सर्कल. एंड दिस 360 कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट 0 to 90, सेकेंड 90 to 180, थर्ड 180 to 270, एंड फोर्थ 270 to 360, विच इज इक्वेलेंट टू 0. और ये ईच पार्ट जो है इसको क्या बोलते हैं, एक क्वाड्रेंट बोलते हैं. 0 to 90 का फर्स्ट हो गया, 90 to 180 सेकेंड हो गया, 180 to 270 थर्ड हो गया, एंड 270 to 0 डिग्री ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर क्या होंगे, साइन एंड कोसेक, ये दो रेशियो पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे. अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें क्या होगा, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, और रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे. इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस एंड सेक
पॉजिटिव रहेंगे, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हैं वो क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो पहले ए ऑल पॉजिटिव, सेकंड एस मीन साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, एंड टी इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव, लास्ट सी मीन्स कोस एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव, रिमेनिंग क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि फोर एंगल्स 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, अगर हमारे पास एंगल की फॉर्म जो आती है वो 90 प्लस माइनस थीटा की आती है या 270 प्लस माइनस थीटा की आती है, इन दैट केस साइन एंड कोस जो है वो क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे, मीन्स कन्वर्ट होंगे, साइन जो है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और कोस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली टैन कॉट में और कॉट जो है वो क्या होगा, टैन में कन्वर्ट होगा। और ये जो चेंज होगा ये ओनली 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा के केस में होगा, 180 प्लस माइनस थीटा के केस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल इट में भी थीटा और इट में भी 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारे पास है ये क्वाड्रेंट है 0 से 90 के बीच का है, तो यहाँ एंगल 0 से ज़्यादा होगा मीन्स थीटा हो सकता है, 90 से कम होगा इट मीन्स 90 माइनस थीटा हो सकता है। इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखें तो इफ़ साइन 90 माइनस थीटा देन इट विल बी कोस थीटा, 90 माइनस थीटा है तो कन्वर्ट हो जाएगा साइन कोस में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 90 माइनस थीटा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री होता है, तो इसके अंदर 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा ये एंगल हो सकते हैं, तो अगर 90 प्लस थीटा है उस केस में क्या होंगे, कन्वर्जन होगा, इफ साइन 90 प्लस थीटा तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, 90 प्लस थीटा है तो कोस साइन में कन्वर्ट होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, 180 माइनस है तो यहाँ साइन का साइन रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और 180 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा, कोस का कोस रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट जो है ये क्या है, 180 टू 270 के बिटवीन है, मीन्स एंगल जो है वो होगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा हो सकता है, इफ साइन 180 प्लस थीटा देन इट विल बी माइनस थीटा, इसके अंदर टैन को छोड़ टैन और कोट को छोड़ के बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो साइन का साइन रहेगा बट ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कोस 180 प्लस थीटा इट इज ऑल्सो माइनस कोस थीटा, मीन्स यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा बट कोस का कोस रहेगा, साइन 270 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, साइन 270 माइनस है तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा, कोस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, 270 माइनस तो कन्वर्ट होगा और नेगेटिव आएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट बिटवीन 270 टू 360 एंड 360 इक्वेलेंट टू 0, इसमें कोस और सेक जो है वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इफ साइन 270 प्लस थीटा देन माइनस कोस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा होगा क्योंकि 270 प्लस का है तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके अंदर साइन है तो नेगेटिव रहेगा, सेकंड कोस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस है तो कन्वर्जन होगा साइन थीटा में, कोस है तो कोस इस क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव रहेगा, साइन 360 माइनस थीटा इक्विवेलेंट टू माइनस साइन थीटा, एंड साइन 360 मीन्स 2 पाई माइनस थीटा के भी इक्विवेलेंट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा
or sine minus theta, which is equals to minus sine theta. Cos 360 minus theta, cos theta. Cos 360 minus theta equals to cos minus theta, वो क्या रहेगा, cos theta ही रहेगा. अब हम इसमें कुछ examples देखते हैं. First, sine 135 degree. It may be written as sine 90 plus 45. 90 plus 45 है तो second quadrant में होगा, 90 plus है तो sine cos में convert होगा, तो ये आएगा cos 45 degree. सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन 90 प्लस 45 इक्वल टू कोस 45, एंड कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2. तो यहाँ साइन 135 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1/√2 रहेगी. सेकेंड एग्जांपल, कोस 225 डिग्री. कोस 180 प्लस 45, 225 जो है उसको हमने 180 प्लस 45 किया, तो ये आया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर. थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर क्या रहता है, कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया. 180 प्लस का टर्म है तो कोस का कोस रहेगा, तो ये आ गया माइनस कोस 45, एंड कोस 45 माइनस 1/√2. तो यहाँ पे हमारे पास कोस 225 डिग्री जो है इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1/√2. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेन 240 डिग्री. 240 इसको स्प्लिट करेंगे 180 प्लस 60, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया. 10 पॉजिटिव होता है, 180 प्लस है तो 10 का 10 रहेगा, 10 60 डिग्री, एंड 10 60 डिग्री √3, तो 10 टू 40 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी. नेक्स्ट, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस. अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हैं उनके अंदर फंडामेंटल रिलेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये आप लोग क्लास 10th में स्टडी कर चुके हो. टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा. अगर फर्स्ट वाली ये आपको इक्वेशन याद है, अगर इसी को पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 बाई कोस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा. 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. अगर फर्स्ट वाले इसी इक्वेशन को हम किस से डिवाइड करें, साइन स्क्वायर से डिवाइड करें, तो ये आएगा 1 कोस बाय साइन कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन कोसेक स्क्वायर थीटा. तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा. साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी. अगर दो वैल्यूज़ हैं एंगल के एंगल में और दोनों प्लस या माइनस में हैं, तो जो एक्सटेंशन रहेगा साइन ए प्लस माइनस बी का, वो रहेगा साइन ए कोस बी. अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही आएगा, कोस ए साइन बी. अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आएगा. कोस ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू कोस ए कोस बी माइनस प्लस. ये फॉन्ट वेरिएशन की वजह से माइनस प्लस जो है वो एम दिखा रहा है, साइन ए साइन बी. तो अगर यहाँ पे प्लस है, कोस ए प्लस बी है, तो यहाँ आएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी. अगर यहाँ पे नेगेटिव है, कोस ए माइनस बी है, तो ये आएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी. इट मीन्स यहाँ पे जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. टेन ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस. ये यहाँ फिर फॉन्ट वेरिएशन की वजह से एम हो गया है, टेन ए टेन बी. व्हेन ए इक्वल्स टू बी, अगर दोनों एंगल सेम हैं तो नेगेटिव वाले जो हैं वो तो जीरो हो जाएंगे, वो डिस्कस नहीं करेंगे हम, ओनली पॉजिटिव टर्म को डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ साइन ए प्लस बी जो था ये क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा. b जो है उसको भी a से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास दोनों टर्म सेम होगी, साइन a कोस a और ये भी साइन a कोस a. तो ये हो जाएगा 2 साइन a, यहाँ पे कोस a रहेगा क्योंकि b जो है वो a के इक्वल है. कोस 2a, अगर कोस वाले में b इक्वल्स टू a करते हैं तो यहाँ नेगेटिव टर्म आती है, अपोजिट साइन रहता है, तो यहाँ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ.
नेगेटिव से पहले दोनों कोस थे, एंगल सेम है तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ दोनों साइन हैं ए ए होंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, तो ये आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अगर इसके अंदर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करें वन माइनस कोस स्क्वायर यहाँ से, तो ये कोस टू ए इक्वल्स टू टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, और अगर हम कोस की वैल्यू पुट करें तो कोस टू ए इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए होगा। टेन टू ए टू टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर है, यहाँ पे इस टर्म में इस फॉर्मूला में अगर ए इक्वल्स टू बी करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव टर्म रहेगी नीचे नेगेटिव आएगी, तो ऊपर होगा टू टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर है। एवरेज वैल्यूज, अब क्या है कि ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं इनकी एवरेज वैल्यू, और ये एवरेज वैल्यू जो है हम क्या करते हैं एक कंप्लीट साइकिल के लिए मीन्स 0 टू 2 पाई जो है उसके लिए कैलकुलेट करते हैं, या उसको एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, तो ये एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यूज हैं। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर अ कंप्लीट टाइम पीरियड और कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। कोस जो है उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो भी क्या होती है, 0 होती है। साइन स्क्वायर थीटा इसकी एवरेज वैल्यू आती है हाफ, साइन स्क्वायर थीटा की अगर 0 टू 2 पाई या 0 टू कैपिटल टी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आएगी। लाइक दिस कोस स्क्वायर थीटा जो है उसकी भी एवरेज वैल्यू जो है वो क्या रहती है, हाफ रहती है। ये एवरेज वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी इसका। अब हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की। इफ़ एंगल थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है मीन्स टेंड्स टू जीरो, नियर अबाउट जीरो बट नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, साइन कोस जो है इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या होगी, साइन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा, कोस थीटा इक्विवेलेंट टू वन, एंड टेन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा। ये इनकी क्या आएगी, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो है हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।